हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं 12th क्लास में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, सांतत्य एवं अवकलनीयता। जैसा कि आप जानते हैं, 2-3 दिन से लगातार मैं आपको बेसिक कंसेप्ट के बारे में बता रहा हूं। पीछे 11th का पूरा बेसिक कंसेप्ट बताया मैंने आपको, किस तरीके से आलेख आदि से पहचाना जाता है कि ये कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा या डिफरेंशियल है या नहीं है। कल भी मैंने आपको कुछ डिस्कस किया हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था बाउंड्री पॉइंट के बारे में बताया था, लेफ्ट एंड पॉइंट्स बताए थे, लेफ्ट एंड बाउंड्री पॉइंट एंड राइट एंड बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है ना। तो किस तरीके से उनको हम जज करते हैं, तो अब हम बात करते हैं कुछ एक इस माध्यम से। कल मैंने बता दिया था, फिर भी मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से और बताना चाहता हूँ। एट x इज इक्वल टू a, तो आप देख रहे होंगे इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर एफ ऑफ a होगी, ठीक है। अगर हम इसके राइट हैंड साइड में चलते हैं तो थोड़ा सा हटके अगर हम बात करें तो ये जो बिंदु होगा वो x बराबर क्या होगा, a प्लस h, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इधर बात कर लें, बिल्कुल माइन्यूट हल्का सा, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा a माइनस एच। तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे एफ ए प्लस एच वैल्यू देगा, ये जो पॉइंट आप देख रहे होंगे वो एफ ऑफ a माइनस। आखिर ये तीनों एक ही लाइन पर हैं, अर्थात एक ही बिंदु पर हैं, उसके सर पर ही मंडरा रहे हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं दिस इज कंटिन्यूअस, कैसा कह सकते हैं, कंटिन्यूअस संतत है। कैसा है, संतत है, अर्थात यदि उनकी ऊंचाई कैसी है, इक्वल है। आप देखिए ये ऊंचाई जो है वो एक ही पॉइंट पर मिल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कैसा है, कंटिन्यूअस होगा। दैट क्लियर। अब एक बहुत नॉर्मल सी बात समझें, हम यहाँ खड़े हुए, दिस पॉइंट इज एक्स इक्वल टू ए, हम थोड़ा आगे चले क्या हो गया, ए प्लस है, थोड़ा पीछे चले क्या हो गया, ए माइनस है ना। अगर तीनों की ऊंचाइयां समान है, दैट इज हाइट यदि समान है, तो हम कह सकते हैं किसी एक बिंदु पर क्या होगा, अर्थात राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड x इक्वल टू a, तो तीनों की ऊंचाइयां समान हो गई, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अर्थात ऐसे फंक्शन जो हैं वो सतत कहलाते हैं। तो हम बात यही कहना चाहते हैं आपसे, बार बार यही बात कहना चाहते हैं। इसका एक और फॉर्मूला हमने कल आपको बताया था, यदि लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a, ठीक है, हम इस फॉर्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं, इज इक्वल टू फाइनाइट। ये हम एक्चुअली में क्या है कि हम तब इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं जब हम ये देख लें, इसको हम कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, और ये होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्या होता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो लिमिटिंग वैल्यू, अब लिमिटिंग वैल्यू में दोनों ही बातें आ गई, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यदि ये इक्वल हो तो दोनों से ही काम, फाइनाइट है तो हम कह सकते हैं कि ये भी आपका वही वर्क करेगा जो LHL। अब ये कहां कहां पर वर्क करती है, कैसे कैसे हमें निकालना है, ये थ्योरी नॉर्मल क्वेश्चन के लिए, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हमारा इसमें, जैसे वो कभी कभी ये कह देगा कि ये जो फंक्शन है इस बिंदु पर कैसा है, ऑलरेडी संतत है, तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है, तो हम चाहे LHL निकाल लें चाहे RHL निकाल लें। तो एक आप यहाँ पर एक्सटेंड्स टू ए पर क्या निकालें, फंक्शन ऑफ ए, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे और लिमिटिंग वैल्यू निकाल लें, अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो भी हम कह सकते हैं, उससे हमें आप जो भी चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक बार हम आपको थोड़ा सा, हमने कल आपको बता तो दिया था, थोड़ा सा मुझे लग रहा है एक बार और बता देना चाहिए, ये अंतराल है, अंतराल कहना चाहिए, बिंदु नहीं, अंतराल, कौन सा अंतराल है, संवृत, ठीक है, संवृत अंतराल ए बी में सततता। तो इसकी जब सततता की बात करी तो मैंने आपको बता दिया था ये ए क्या है, लेफ्ट एंड बाउंड्री पॉइंट, ठीक है, और बी क्या है, राइट एंड बाउंड्री पॉइंट, ठीक है। तो जब इसकी सततता की बात होती है तो केवल और केवल
तो जब हम चेक करते हैं तो f of a plus यानी कि इस बिंदु से पीछे तो हम जा ही नहीं सकते हैं, लेकिन इसके आगे तो f of a plus h अर्थात राइट हैंड लिमिट RHL फाइंड कर लेते हैं और इज इक्वल टू एफ ए, ठीक है। और अगर हम इसकी सत्ता की बात करते हैं तो इसके आगे नहीं जा सकते इसके पीछे, तो एफ ऑफ बी माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो हम इस तरीके से, और उसके जो विपरीत अंतराल है उसमें सतत होना ही चाहिए, तो इस तरीके से हम उसके अंतराल में सततता फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, और कुछ ग्राफ के माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगा आपको। अच्छा एक चीज़ और, एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, जैसे हमने ले लिया एक 1 2, ये इंटरवल ले लिया अंतराल, इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं, 1 और 2 कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं है, 1 और 2 तो क्या है, दैट इज बाउंड्री पॉइंट। 1 इज द लेफ्ट एंड बाउंड्री पॉइंट, 2 इज द राइट एंड बाउंड्री पॉइंट, बट 1.2, 1.3, 1.4 एंड दिस इज इंटीरियर पॉइंट, इसके मध्य में आने वाले इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखें, ये इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है, ये इनिशियल एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज लेफ्ट एंड बाउंड्री पॉइंट एंड राइट एंड बाउंड्री पॉइंट, इन पर हमें जब चेक करना होता है तो हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम जो आपको बता रहे हैं छोटी मोटी, उन पर आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि कुछ इस टाइप से कुछ ग्राफ्स ले लेते हैं एक आध, तो उस ग्राफ्स के माध्यम से भी हम आपको कुछ बताना चाहेंगे, वो भी आप देखें। जैसे मान लो मैंने एक ग्राफ ले लिया, अभी मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पे, ये भी आपने नोट कर ही लिया होगा। तो आप देखेंगे यहां से इन ग्राफ, ग्राफ की बात करते हैं तो एक ग्राफ हम यहाँ पे ले रहे हैं इस तरीके से, हमने एक ग्राफ ले लिया, दिस इज द पॉइंट ऑफ एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको यहाँ पर अगर देखा तो इसकी वैल्यू क्या मान ली हमने, एल, क्या ले ली, एल, ओके। तो दिस पॉइंट ऑफ एक्स इक्वल टू ए, तो ये कितना हो गया, एफ ऑफ ए। तो निश्चित तौर पर आप देख रहे होंगे ये ग्राफ जो है वो इस टाइप से दिया गया है कि वो दोनों साइड में है, यानी कि अगर हम इसके इधर चलते हैं तो ये कौन सी हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर हम इसके इस साइड चलते हैं तो कौन सी हो गई, राइट हैंड लिमिट, दैट क्लियर। तो जब हम दोनों पे चलते हैं तो चाहे जहाँ जाए तब भी इधर ही है और इतना भी इधर, तो दैट इज द, ये पॉइंट जो है सेम थिंग है, मतलब एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर है, अर्थात हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस। नहीं आई बात समझ में भाई, आप देखो एफ ऑफ, ये आप फाइंड करेंगे है ना, तो एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए माइनस एच, तीनों पर इसकी वैल्यू क्या रहेगी, एल ही तो रहेगी, इज इक्वल टू एल। तो हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देख के ही बता देंगे। मान लीजिए सेकेंड ग्राफ आपने लिया, एक और ग्राफ ले लेते हैं जिसमें केवल हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हमने केवल ये ले लिया। अब जब ले लिया हमने तो यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, यहाँ एक बिंदु ले लिया, तो इसको क्या कह दिया, x इज इक्वल टू ए, तो ये बिंदु कितना हो गया, एफ ऑफ ए, और यहाँ इसको मैंने मिला दिया, तो ये क्या है, l। अब देखिए इसका इधर का तो पार्ट ही नहीं है ग्राफ का, तो जब ग्राफ की कल्पना कर रहे थे तो ये RHL ही आ गया, बोलो, तो RHL आ गया, तो केवल RHL ही तो देखेंगे, तो इसका मतलब एफ ऑफ ए माइनस है ही नहीं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस फाइंड करेंगे, ए प्लस फाइंड करेंगे, और एफ ऑफ ए अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम क्या लिख देंगे, चेक द, ये जो ग्राफ है वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। एक ऐसा ग्राफ भी ले लो जिसपे एक इस टाइप का ग्राफ हम ले सकते हैं, जैसे हमने कोई ग्राफ लिया, ये ले लो चलो, और इस पर हमने एक पॉइंट ले लिया, ध्यान से देखना, कुछ बोले नहीं सर ये वाला नहीं जम रहा है, इस तरह से तुम्हें दिखाओ, अलग अलग दिखाओ, तो हमने ये इस तरह, अब इसकी वैल्यू क्या है, L1, और इसकी वैल्यू क्या ले ली, L2, इस पर हमने क्या मान लिया, x इज इक्वल टू ए,
तो ये क्या हो गया एफ ऑफ ए। अब आप उधर जाएंगे जैसे ही तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस, भाई क्योंकि ग्राफ कहाँ जा रहा है, ये क्या हो गया एफ ऑफ ए माइनस, है ना। और उस पर जो पॉइंट की वैल्यू आएगी है ना, इस पर जो पॉइंट की वैल्यू आएगी वो आएगी, सॉरी ये x इक्वल टू ए हो जाएगा, है ना। तो यहां से हम देखें तो ये L1 और L2, तो L1 और L2 क्या इक्वल हो सकते हैं क्या भाई, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए माइनस, ये अलग अलग नहीं होंगे। तो एफ ऑफ ए कितना हो गया L2, और एफ ऑफ ए माइनस कितना हो गया L1। तो एफ ऑफ ए माइनस और एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल है, क्योंकि L1 बराबर L2 के नहीं होगा, अर्थात ये अलग अलग हो गया। तो ये कैसा ग्राफ होगा, डिस कंटिन्यूअस, तो अर्थात ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होगा। तो आप देख सकते हैं कि हम बहुत सारे ग्राफ के माध्यम से कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर सीख सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें। हाँ, तो आज आप देखेंगे कुछ नया टॉपिक है जिसमें आज से हम किस तरीके से किसी फलन का सांतत्य किस तरह से जांच करेंगे, उसके लिए हमने कुछ सूत्र जो हमने 11th क्लास में प्रिपेयर किए थे सेम उसी प्रकार इसमें हम बताएंगे कि हम किस तरीके से उसकी LHL यानी कि बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले फलन एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर ए पर सांतत्य की अगर हमें जांच करनी है तो हमने एक्स बराबर ए, एक्स इज लेस देन ए और एक्स इज ग्रेटर देन ए। एक्स इज लेस देन ए का मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच, ए में से कुछ कम कर दिया जाता है, है ना। एच एक नगर बहुत सूक्ष्म राशि होती है, तो लिखते कैसे हैं आज से आप लिखना सीख लें, और पूरी जब तक सांतत्य चलेगी इस तरह से लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस यहाँ लिखेंगे, ये संकेत है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, लिमिट को आप किसी तरह से लिख सकते हैं, एल टी करके लिख सकते हैं, एल आई एम लिख सकते हैं, लिमिट पूरा लिख सकते हैं, जो आप चाहें। लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये जो परिवर्तन हुआ एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ ए माइनस एच, एक्स के स्थान पर ए माइनस एच, ये आपका सूत्र है, इसी सूत्र से हम सारे सवाल हल करेंगे। नेक्स्ट आता है आर एच एल, दाएं पक्ष की सीमा, तो x इज ग्रेटर देन a लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a प्लस फंक्शन ऑफ x लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ a प्लस h, तो आप इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद में अगर हमें फलन का मान, वो तो हम उसके लिए बता रहे फलन का मान, तो फलन का मान a पर क्या हो जाएगा एफ ऑफ a, अगर ये तीनों वही बात बता दी मैंने एल एच एल आर एच एल लहल इजक्वल टू रहल इजक्वल टू एफ ऑफ a, कैसा आ जाए फाइनाइट, कैसा आ जाए फाइनाइट, फाइनाइट इसलिए लिख रहा हूँ फाइनाइट लिखना आवश्यक है, यदि ऐसा आ जाए तो हम कह देंगे कि फलन संतत है यदि ये तीनों इक्वल हो जाए। तो हम यहाँ पर कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं कि सवाल में किस तरीके से कंडीशन अप्लाई की जाएगी। एक और खास बात वहाँ रह गई है मापांक फलन की, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, नोटिस में डाले, हालांकि उसमें दिया गया, कल मैंने जो 122 पेज आपको दिया है पढ़ने के लिए, तीन दिन से रोज़ दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट पेज है, इसको आपको तैयार करना होगा। तो मॉड एक्स का क्या प्रतिबंध होता है, एक्स यदि एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल जीरो, ये बात आप ध्यान रखेंगे, माइनस एक्स यदि एक्स इज लेस देन जीरो, बिना इसके काम चलने वाला नहीं है, बिना इसके कोई भी मापांक फंक्शन ओपन नहीं होगा, और ये इंटीग्रेशन में भी काम आता है, डिफरेंशियल में भी काम आता है, और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में भी विशेष वर्क है, और पूरी मैथमेटिक्स में जहाँ जहाँ मोड आएंगे सब में वर्क आने वाला है, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अतिरिक्त मैंने आपको देखो बहुत सारे कुछ महत्वपूर्ण सीमाएँ लिख दी, कुछ इलेवेंथ की हैं, है ना, इलेवेंथ की ही है, लेकिन आपने कितनी याद की हुई है उसके अतिरिक्त मैंने लिख दी जो भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, आप समझ लें, यदि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, इसको हम सैंडविच प्रमेय से ही निकाला गया है, इसको इसको और इसको, ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन या एक्स अपॉन साइन एक्स, अगर ऐसा लिखा हुआ तो इसकी वैल्यू क्या होगी वन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स इज इक्वल टू वन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन टेन एक्स। बात करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन और उसका क्या होगा रेसिप्रोकल, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन या एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वी वन,
लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x डिग्री अपॉन x इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, ठीक है, ये नया है, आपने 11th में नहीं पढ़ा था। लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट, ये भी नया है, साइन x अपॉन x या इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट और cos x अपॉन x, इसकी वैल्यू जीरो होगी। ये आपको याद रखने, अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट वी नो दैट, हम जानते हैं और लिख देंगे। लिमिट x टेंस टू जीरो साइन 1 अपॉन x और लिमिट x टेंस जीरो cos 1 अपॉन x, दोनों का अस्तित्व तो नहीं है, दैट क्लियर। बात करते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो साइन 1 अपॉन x अपॉन 1 अपॉन x इज इक्वल टू जीरो, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ये आपका क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इस पूरे की वैल्यू भी 1 होगी। लिमिट x टेंस टू जीरो log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू माइनस 1 होगी। लिमिट x टेंस टू जीरो e के पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 होगी। लिमिट x टेंस टू जीरो e की पावर x ये आपके क्या x टेंस टू जीरो e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स log a, और लिमिट x टेंस टू जीरो a की पावर x माइनस b के पावर x अपॉन x log बेस e है a अपॉन b है, जहां a भी इज ग्रेटर देन जीरो। log x टेंस टू जीरो 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x, तो इसकी वैल्यू e होगी, है ना। एक और मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है और उसको हम और लिखना चाहेंगे शायद, चलो अभी बता दूंगा, पहले प्रसार देख लेते हैं। साइन इनवर्स x का कुछ प्रसार मैंने कल लिख दिए थे, वो सारे याद करने हैं। साइन इनवर्स x का नहीं लिखा था, कॉस इनवर्स x और टेन इनवर्स x प्लस 1 स्क्वायर x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है ना, और x पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल, इसको सॉल्व भी किया जाए। कॉस इनवर्स x को पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये वही है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, और टेन इनवर्स एक्स का होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स पावर 7 अपॉन 7। एक और मुझे याद आ रहा है कुछ, तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू पूर्णांक और ये है महत्तम पूर्णांक। क्या है? महत्तम पूर्णांक। अगर ये फंक्शन महत्तम पूर्णांक है तो का अस्तित्व नहीं है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि इस तरीके से हम बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ रहे हैं। अब देखो, मैं चाहता तो चैप्टर में पहली बार में ही स्टार्ट कर देता और बहुत सारी चीज़ें ये छूट जाती आपकी, लेकिन बेसिक कंसेप्ट इज़ द मस्ट। अगर हमारा बेसिक कंसेप्ट कमज़ोर रह जाएगा तो जब हम वहाँ इंजीनियरिंग और इनकी सब तैयारी करते हैं एनडीए वगैरह की, तो हमारा कुछ नहीं है, पता ही नहीं रहता ये क्या होता है सब कुछ, है ना, और हम डायरेक्ट शुरू कर देते साहब आओ और बस ये LHL RHL लिखते हम सीमा की तरह से, लिमिट की तरह से, और कार्यक्रम शुरू कर देते और सवाल शुरू हो जाते, अब तक तो मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट होने को हो जाती। लेकिन नहीं, हमें ये सब, एक और चीज़ ध्यान आ रही है मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा यहाँ पे लिमिट, यदि ये x टेंड्स टू जीरो है और e के पावर माइनस 1 अपॉन x है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप नोट कर लें। लिमिट x टेंस टू जीरो e के पावर माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू जीरो, हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम इसको इतना लिख सकते हैं, दैट क्लियर। अगर कहीं ऐसा आता है तो इसकी वैल्यू जीरो होगी, 1 अपॉन x नहीं, माइनस 1 अपॉन x की, दैट क्लियर। तो आप इसको भी नोट डाउन कर रहे हैं, सारा नोट डाउन कर लो अच्छी तरह से, और इनको याद अवश्य ही करना है, बिना याद किए काम नहीं चलेगा। और इसके अतिरिक्त मैं थोड़ी सी बात और करूंगा आपसे, मैं आज बुक ले लेता हूं और बुक से ही आपसे चर्चा करता हूं, क्योंकि मैं 3 दिन से लगातार, आज मेरा चौथा लेक्चर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, आप देख रहे होंगे, तो लेक्चर नंबर 4, और आज हम फिर से बात कर लेते हैं। देखो ये आज लास्ट दिन है आपका जो आप याद करना पड़ेगा, तो इसमें मैं फिर से बोल दे रहा हूँ एक बार, मैंने आपको विवृत अंतराल में सत्तता पढ़ा दी है, संवृत अंतराल में संतत फलन बता दिया कैसे होता है, है ना, सारी चीज़ बाउंड्री पॉइंट बता दिए, एंड पॉइंट बता दिए, लेफ्ट एंड राइट एंड सब बता दिया है। अब संतत फलन, तो यदि कोई फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है तो वह फलन संतत कहलाता है। कुछ संतत फलनों के उदाहरण नीचे दिए गए, जैसे तत्समक फलन संतत होता है, समस्त आर में संतत होता है, अचर फलन समस्त आर में संतत होता है, बहुपद फलन समस्त आर में संतत होता है, त्रिकोणमिति फलन साइन एक्स और कॉस एक्स समस्त आर में संतत होते हैं, चर घातांकी फलन ए इज ग्रेटर देन जीरो के लिए संतत हो, लघुगणकीय फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, ये केवल किसके लिए, धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए ही, आर प्लस के लिए, क्योंकि इसमें आर प्लस की वैल्यू जब रखते हैं तभी ये संतत होंगे अपने प्रांत में, ठीक है। और निरपेक्ष मान फलन
अपने ही प्रांत के बिंदुओं पर कैसा होता है, संतत होता है। अब नीचे लिख रहे हैं असंतत फलन, कोई फलन एफ ऑफ एक्स अपने प्रांत डी में असंतत कहलाता है यदि वह उस प्रांत में कम से कम एक बिंदु पर संतत नहीं हो। यदि फलन किसी अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर असंतत हो तो दिए गए अंतराल में वो पूर्णतया असंतत फलन कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। तो आपको यहां पर पढ़ना होगा, जैसे कि अभी हमने एक वैल्यू लिखी, ये देखो वन अपॉन एक्स, तो इसमें लिखी हुई है साइन वन अपॉन एक्स और कॉस वन अपॉन एक्स, एक्स इजक्वल टू जीरो पर क्या होता है, असंतत होता है, इसीलिए लिखा कोई अस्तित्व नहीं है। वन अपॉन एक्स, एक्स बराबर जीरो पर कैसा है, अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही ई के पावर वन अपॉन एक्स, एक्स बराबर जीरो पर अस्तित्व नहीं है, लेकिन मैंने क्या लिखा माइनस वन अपॉन एक्स, इसलिए जीरो हो गया। नेक्स्ट टेन एक्स और सेक एक्स और कॉट एक्स और कॉसेक एक्स, ये भी आर पर संतत नहीं है, लेकिन अगर हम आर में से कुछ निकाल दें, उसको हमने आपको बताया है, उसके डोमेन में चले जाएंगे। और महत्तम पूर्णांक फलन जो भी होते हैं वो समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर कैसे होते हैं, असंतत होते हैं। यदि उसमें कोई जैसे एक्स माइनस मॉड एक्स माइनस महत्तम पूर्णांक फलन है, एक्स प्लस महत्तम पूर्णांक फलन, तो भी वो पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत ही कहलाता है। इसके अतिरिक्त संतत फलनों के गुणधर्म की बात करें, एलजेब्रा, यदि उनके एलजेब्रा की बात करें तो फिर मैं एक बार दोहरा देता हूँ कि दो फलन यदि वो संतत हैं तो उनका योग भी संतत होगा, उनका अंतर भी संतत होगा, उनका गुणन भी संतत होगा और उनका भागफल भी संतत होगा, यदि जी एफ एफ ऑफ एक्स अपन जी एफ जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल जीरो, और उनका संयुक्त फलन यानी कि गॉफ और फॉग भी कैसे होंगे, यदि वो पहले से कैसे हैं, संतत हैं, तो उनका संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन भी संतत होता है। तो ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ वो 100% सभी बच्चे याद कर लें, और बहुत ही काम की है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप निश्चित रूप से इसको तैयार करें, इसको आप नोट डाउन कर लें, देखते हैं उसके बाद हम थोड़ा सा और बताएंगे। नोट डाउन, हाँ, तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे मैंने एक पहला प्रश्न लिया है और आपने ऐसा देखा होगा, मैंने 11th क्लास में भी आपको पढ़ाया है, या जो बच्चे जहाँ भी पढ़े होंगे उन्होंने निश्चित तौर पर देखा होगा, वीडियो में मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझें हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम दो बातें, आपने जब सीमा फाइंड की थी तो भी हमने ऐसा ही लिखा था और उसमें हमने पहचान बताई थी, या तो वो आपका, हम सबसे पहले ये देखो जो हमारा बिंदु है टर्निंग पॉइंट है वो क्या है, जीरो, एक्स बराबर जीरो, तो एक्स बराबर जीरो या तो वो एक्स इज लेस देन जीरो चलेगा या एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ये हमारी क्या होती है LHL और ये हमारी क्या होती है RHL। अगर ये LHL है तो जीरो माइनस एच हो जाएगा, हमने अभी अभी लिखा a माइनस एच, और अगर ये RHL है तो जीरो प्लस एच हो जाएगा। बोलो बच्चों, तो जैसे ही हमने यहाँ पे टर्निंग पॉइंट में फाइंड किया, जो टर्निंग पॉइंट दिया जाता है और देखो किस पर जांच करनी है, ये सबसे पहले पहचानना होगा। अब बात आती है कि हम LHL फाइंड करें, पहले फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लो चाहो तो फंक्शन की वैल्यू के लिए आप हमेशा ध्यान रखो जिसमें इक्वल लग रहा होगा, जिस पॉइंट्स के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं उसके किसके साथ, देखो इसके साथ में इक्वल नहीं है, जब इसके साथ में इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन का मान नहीं हो सकता है, किसके साथ इक्वल है, प्लस वाले के। तो फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो गया 2x प्लस 1, तो फंक्शन ऑफ 0 x बराबर 0 पे 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, दैट क्लियर। फंक्शन ऑफ a, जैसे हम कहते थे फंक्शन ऑफ a, तो फंक्शन का मान 0 पर आ गया। अब हम चलेंगे फलन की बाई सीमा LHL, तो हमने बोला था LHL में क्या लिखेंगे, x इज लेस देन 0, 0 से छोटा, और 0 से छोटा तो हमें यहाँ लिखेंगे बिल्कुल सेम एज, आप देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मैं वैसा ही लिखता हूँ जैसा मैंने बताया है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, देखो हमने ये माइनस h लिखा। अब ये फंक्शन ऑफ x हो गया, अब फंक्शन ऑफ x में लिया कौन सा फंक्शन जाएगा, तो हम यहाँ पे फाइंड क्या कर रहे हैं, आंख बंद करके सोच रहे ही नहीं है, x LHL ले रहे हैं, तो LHL पे क्या लिया जाता है, x छोटा है 0 से, जब x छोटा है 0 से तो फंक्शन हो गया मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ माइनस h बचा, तो हमारा जो फंक्शन है 2x माइनस 1, x की जगह पे क्या रख देंगे माइनस h और माइनस 1, दैट क्लियर। लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस 2h माइनस 1, पुट द वैल्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं, आराम से हम h टेंड्स टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1 और क्या हो गया माइनस 1, देन सॉल्व इट। देखिए यहाँ पर क्लियर कट हो गया कि फंक्शन का मान जो है
जो फंक्शन की वैल्यू है वो LHL के ही इक्वल नहीं है। तो हमारी आधी बात तो यहीं समाप्त हो गई, इसलिए हम चाहें तो RHL फाइंड करें और नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, चाहो तो कर लेना और नहीं तो छोड़ देना। लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस फंक्शन ऑफ x और लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो प्लस h, ऐसे करना है। तो आप चाहो तो कर लो, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा है करने की जरूरत। इसलिए प्रूफ हो गया क्या, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ डज नॉट इक्वल जीरो। सो वी गेट, हम क्या कह सकते हैं, इसलिए x बराबर जीरो पर फलन कैसा है, संतत नहीं है। उसने कहा संतत की जांच कीजिए, इसलिए x बराबर जीरो पर ये जो फंक्शन है वो कैसा है, असंतत है। क्यों, मैंने अभी अभी लिखा LHL RHL फंक्शन ऑफ a और फाइनाइट, लेकिन ऐसा भी हमने बताया कि लिमिट अगर किसी की लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ a के इक्वल है या नहीं है, इक्वल है तो भी संतत है, इक्वल नहीं है तो असंतत नहीं है। तो देखो लिमिटिंग वैल्यू, जो लिमिटिंग वैल्यू है वो इसके इक्वल नहीं है, वन और माइनस वन आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये फलन पर्टिकुलर बिंदु x इज इक्वल टू जीरो पर संतत नहीं होगा, अर्थात कैसा होगा, असंतत होगा। ठीक है, इसलिए आज आप इतना नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद आज इस पर विचार कीजिएगा, विचार करने के बाद अपनी किताब के क्वेश्चनों को पढ़िएगा, एग्जांपल्स को पढ़िएगा, कल आपको इससे आगे और मिलेगा। और एक बात का आप ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, अगर आप डेली वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, और देखने के पश्चात आपने यदि जिन बच्चों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो, मीन्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि बहुत सारे बच्चे राजस्थान के अंदर जहां भी पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों को फ़ायदा हो। और अभी तो 12th क्लास का पेपर ही नहीं हुआ है और पेपर की जो संभावित डेट है वो 1 से 12 जुलाई लगभग में हो गई बोर्ड के द्वारा, तो अभी क्लियर कट नहीं है, वो भी पढ़ते रहेंगे तो उनका भी बेनिफिट हो सकता है। तो आप निश्चित तौर पर ये कर लें बेटा, निश्चित तौर पर कि आप इसको पढ़ते रहें बढ़िया तरीके से। थैंक यू सो मच।